असलम आज के इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को स्टडी करेंगे न्यूरॉन ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं ऐसे सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड टाइप के जो आपके नर्वस सिस्टम को बनाते हैं राइट right? सो so हमने स्टडी किया था न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम यानी ये आपके नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और इंडिविजुअली परफॉर्म करके आपके नर्वस सिस्टम को फंक्शन भी करवाते हैं सो so ये न्यूरॉन का फंक्शन है आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि न्यूरॉन्स की कितनी टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं स्पेसिफिकली उनका फंक्शन क्या होता है सेपरेटली हर टाइप का और उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है सो so, न्यूरॉन्स की तीन टाइप्स है नंबर वन सेंसरी न्यूरॉन, नंबर टू इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन भी कहा जाता है या एसोसिएट न्यूरॉन भी कहा जाता है थर्ड टाइप आ जाती है मोटर न्यूरॉन सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन को स्टडी करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स नाम से ज़ाहिर है ऐसी न्यूरॉन्स होंगी जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगी और चीज़ों को सेंस करने के काबल होंगी स्टिमूल से को सेंस करेंगे, सेंस करने के बाद इनका काम क्या होगा उस स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजना ताकि उस स्टिमुलस की प्रोसेसिंग हो सके तो बहुत सिंपल है सेंसरी न्यूरॉन्स आपके सेंस ऑर्गन्स के अंदर उनकी टिप्स प्रेजेंट होंगी और उनका फंक्शन क्या होगा स्टिमुलस को सेंस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजना और याद रखिए ये बड़ी स्पेसिफिक होती है टू द टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन दे आर प्रेजेंट इन फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके नाक के अंदर प्रेजेंट है तो ये कीमो रिसेप्टर होंगी यानी केमिकल का जो स्टिमुलस है उसे फील कर सकेंगी उसे सेंस कर सकेंगे अगर स्किन में प्रेजेंट है तो हीट को सेंस कर सकेंगे पेन को सेंस कर सकेंगे तो ये बड़ी स्पेसिफिक होती हैं स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये मोनोपोलर या यूनिपोलर होती हैं मोनोपोलर या यूनिपोलर का मतलब क्या है कि इनके अंदर एक ही लॉन्ग नर्व फाइबर पाई जाती है इनके अंदर फाइबर एक ही होती है यानी धागे नमा जो स्ट्रक्चर है वो एक ही होती है और वो डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है यानी वो डेंड्राइट का फंक्शन भी परफॉर्म करती है वो फाइबर और एग्जोन का फंक्शन भी परफॉर्म करती है ये चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं तो so, यहाँ पर देखिए ये एक सेंसरी न्यूरॉन है और सेंसरी न्यूरॉन सम टाइम बहुत लंबी हो सकती है एक मीटर तक लंबी हो सकती है सपोज़ कोई सेंसरी न्यूरॉन है उसकी सेंसरी टिप्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और ये यह यहाँ तक आई हुई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के करीब तक यहाँ पर इसकी सेल बॉडी है और यहाँ से एक्जोन इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो इट कैन बी अ मीटर लॉन्ग एक मीटर तक लंबी भी हो सकती है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों समटाइम बहुत लंबी भी होती हैं सो so, यहाँ पर डायग्राम को देखते हैं सपोज ये वाली जो टिप्स हैं ये इसकी सेंसरी टिप्स हैं जो स्टिमुलस को सेंस कर सकते हैं सो so, यहाँ से स्टिमुलस को सेंस किया जाता है और फिर ये जो डेंड्राइट है डेफिनेटली स्टिमुलस से जो सेल बॉडी की तरफ सिग्नल जाता है वो किसके जरिए जाता है कौन से फाइबर्स के जरिए जाता है डेंड्राइट्स के जरिए जाता है सो so, यहाँ से स्टिमुलस को सेंस किया गया और सिग्नल इस तरीके से नीचे को ट्रैवल करेगा बट इनकी जो डेंड्राइट्स हैं डेफ़िनेटली है तो है कि न फाइबर ना तो ये वाला जो है उससे हम डेंड्राइट कहेंगे क्योंकि यहाँ से सिग्नल सेल बॉडी की तरफ आ रहा है तो इस डेंड्राइट के ऊपर भी माइलिन शीत के जो सेल्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं शिवान सेल्स भी प्रेजेंट हैं सो इनकी जो डेंड्राइड्स है उसके ऊपर इस तरीके से जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें शिवान सेल्स कहते हैं ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इंडिविजुअल सेल्स है ग्लायल सेल्स भी इन्हें कहा जाता है न्यूरोग्लायल सेल्स भी कहा जाते हैं सो so, ये डिफरेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं ये फैट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं और एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल काम करते हैं ताकि सिग्नल तेजी से और अच्छे तरीके से ट्रेवल हो सके सो so यहाँ से सिग्नल ट्रेवल करेगा तो इस रीजन को हम डेंड्राइट कहेंगे बट मोस्ट बुक्स के अंदर इसे भी एग्जॉन ही कहा जाता है ये कहा जाता है कि इसके अंदर एक ही एग्जॉन होता है और वो एग्ज़ान सिग्नल को सेल बॉडी की तरफ ट्रेवल करवाने का काम भी करता है और सिग्नल को सेल बॉडी से अवे ट्रेवल करवाने का काम भी करता है बट हम कहेंगे क्योंकि डेंड्राइट का काम क्या होता है सिग्नल को सेल बॉडी की तरफ ट्रैवल करवाना तो ये वाला जो रीजन है ये डेंड्राइट है और इसके डेंड्राइट के ऊपर भी क्या है शिवान सेल्स हैं फिर सिग्नल यहाँ से सेल बॉडी की तरफ़ आता है और सेल बॉडी से सिग्नल यहाँ पर एक्जोन की तरफ से नीचे ट्रैवल कर जाता है सो so इसका जो एक्जॉन होता है डेफिनेटली उसके ऊपर भी शिवान सेल्स होंगे तो यहाँ पर मैं ब्लैक में ही ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर भी शिवान सेल होगा सो so यहाँ पर ये यह सिग्नल यहाँ पर आता है सेल बॉडी की तरफ और फिर सेल बॉडी से ये सिग्नल थोड़ा सा प्रोसेस होकर एक्जोन के एलॉन्ग ट्रैवल कर जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मूव कर जाता है तो ये आपके पास सेंसरी न्यूरॉन आती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये मोनोपोलर होती है यानी एक ही नर्व फाइबर होती है इसके अंदर और वो नर्व फाइबर डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है डेंड्राइट का काम भी करती है एक्जोन का काम भी करती है और सेल बॉडी इसकी इस तरीके से साइड पर हट के रोती है उसी एक नर्व फाइबर के साथ कनेक्टेड ओके सेकंड टाइप है इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स याद रखिए इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं यानी आपके स्पाइनल कॉर्ड में और आपके ब्रेन में ये इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं इनका काम क्या होता है कनेक्ट करना सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स के साथ और इसके अलावा इनका फंक्शन होता है प्रोसेस करना इन्फॉमेसन को यानी इनफॉर्मेशन जब सेंसरी ऑर्गन सेंसरी न्यूरॉन से इनकी तरफ आएगी तो ये उस इंफॉमेसन को प्रोसेस करके कनेक्ट कर देंगी मोटर न्यूरॉन के साथ सो रिफ़्लेक्स आर्क नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम इसे देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा सो जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीपोलर होती हैं सम टाइम ये बाई भी होती हैं यानी दो पोल भी होते हैं सम टाइम दो पोल कैसे ये इसकी सेलवाड़ आ जाती है ठीक है और यहाँ पर भी डेंड्राइड है और यहाँ पर भी एक साइड पे सॉरी डेंड्रॉइड है दूसरी साइड पर एक्ज़ोन है तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर है तो ये बायपोलर होंगी अगर ऐसी स्ट्रक्चर है सेल बॉडी से बहुत सारे फाइबर्स निकले हैं तो ये मल्टीपोलर होगी यानी बहुत सारी इसके पोल्स बने हुए हैं सो ये इंटर न्यूरान आ गई और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटर न्यूरान का जो एक्जोन जो एक रीजन होता है या डेंड्रॉयड रीजन होता है उसके ऊपर शिवान सेल्स नहीं होते क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी होती हैं ये आपस में जोड़ी होती हैं तो सिग्नल जल्दी से ट्रैवल कर जाता है शिवान सेल की इतनी ज़रूरत नहीं है इंसुलेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है थर्ड टाइप की जो न्यूरॉन्स हैं उनकी तरफ चलते हैं इन्हें कहा जाता है मोटर न्यूरॉन्स और ये भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम मल्टीपोलर होती हैं इनका काम क्या होता है इंटर न्यूरॉन से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये निकलती हैं और इफेक्टर्स की तरफ जाती हैं इफ़ेक्टर्स याद रखिए आपके ग्लैंड्स होते हैं आपके मसल्स होते हैं सुपोज़ सिग्नल यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आपके ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कार्ड की तरफ ले कर गया अब वो सिग्नल यहाँ पर अगर किसी गर्म चीज़ को आपने हाथ लगाया तो यहाँ पर बाइसेप मसल के साथ कनेक्ट करने वाली जो न्यूरॉन होगी वो मोटर न्यूरॉन होगी जो बाई मसल को सिग्नल देगी कि अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका हाथ ऊपर खींचने होगा सो मोटर न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर देखी थी वो मोटर न्यूरान की थी एक सेल वाडी होती है बहुत सारी डेंड्रॉयड्स होती हैं जो सिग्नल को लेती हैं इंटर न्यूर से और इम्पल्स की फॉर्म में सिग्नल को लेती हैं यहाँ से सिग्नल फिर एग्जॉन की तरफ आता है ये लॉन्ग इसका आ गया एक्जोन एग्जॉन माइलिन शीत से मोस्ट ऑफ द टाइम कवर होता है यानी शिवान सेल से कवर से होता है और फिर इसके एग्जॉन आ जाते हैं मोस्ट ऑफ़ टाइम इफेक्टर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। किसके साथ इफेक्टर्स के साथ, साथ एग्जॉन टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं ये क्या है एग्जोन टर्मिनल्स हैं सो so, ये तीन टाइप की नर्व न्यूरॉन्स uh, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं जिनसे आपका नर्वस सिस्टम मिलकर बना होता है क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखी न्यूरॉन्स की तीन टाइप्स होती हैं सेंसरी न्यूरॉन इंटरमीडिएट न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है सेंसेस को स्टिमुलस को सेंस करना सेंस करने के बाद उन स्टिमुलस को इंटर न्यूरॉन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजना फिर आ जाता है दूसरी टाइप की न्यूरॉन्स का काम जिन्हें इंटरमीडिएट और एसोसिएट न्यूरॉन्स कहा जाता है जिन न्यूरॉन्स क्या करती हैं उस स्टिमुलस को प्रोसेस करती हैं कि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है प्रोसेस करने के बाद उस इंफॉमेसन को मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करके इफेक्टर की तरफ भेजती हैं सो फिर मोटर न्यूरॉन्स के का काम आ जाता है मोटर न्यूरॉन्स डायरेक्टली एफेक्टर के साथ कनेक्टेड होती हैं थ्रू एक्सॉन टर्मिनल्स और वहाँ से इनके कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और अफेक्टर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगर मसल्स हैं ग्लैंड हैं तो सिक्रीशन करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप की न्यूरॉन्स हैं और उनका स्पेसिफ़िक फंक्शन है होपफुली आपको लेक्चर समझ में होगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़